आज की इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश के तरफ से जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ऑफिशियल नोटिस यहां पर आउट की गई और यहां पर जो वैकेंसीज़ को भी इंक्रीज़ करके 4612 पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसीज़ आउट की गई। अभी भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा और BBTech होल्डर्स जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। सभी कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले सभी जॉब वैकेंसी की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस PDF मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे KKS इंडिया तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस PDF अगर व्हाट्सअप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सअप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी कुछ डिटेल्स में आपको एक एक करके बताते हैं। देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियल नोटिस है, ये आपको 24 जून आज के डेट में यहाँ पर जारी की गई और ये आपको UP गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है। UP में आपको JEE के पोस्ट पर मास रिक्रूटमेंट ह्यूज वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिली। अभी जो ये नोटिस निकली है फिर से इसकी पोस्ट इंक्रीज यहाँ पर कर दी गई थी, इससे पहले पोस्ट यहाँ पर कम थी, उसके बाद दोबारा पोस्ट को बढ़ाया गया था, अभी जो है और पोस्ट को बढ़ा करके यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 4376 पोस्ट अभी यहाँ पर कर दिया गया है। इससे पहले 4016 पोस्ट इंक्रीज करके हुआ था, अभी और भी पोस्ट यहाँ पर ऐड की गई है करीब 300 से ज़्यादा, जो कि टोटल पोस्ट यहाँ पर 4376 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 360 पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए संशोधित कुल 4376 यहाँ पर पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते हैं। यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन आप लोग 28 जून 2024 तक कर सकते हैं, इससे पहले इसकी लास्ट डेट था 7 जून 2024, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 28 जून 2024 तक किया गया। इस डेट तक अभी जो भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं किया जरूर से कर सकते हैं। ये जो है यूपी, आपको यूपी में JEE की ये बहुत बड़ी वैकेंसीज है, जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे जरूर से इसको अप्लाई कीजिएगा। अभी जो वैकेंसीज ऐड की गई है उसका कौन सा डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर आप देखोगे विभाग का नाम में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, ये आपको अवर अभियंता सिविल का यहाँ पर पोस्ट है, जो अवर अभियंता आपको JEE होता है, या आप लोग इसको सब ऑर्डिनेट इंजीनियर भी आप बोल सकते हैं। इसके लिए आपको 35,400 इसकी बेसिक पे है, 9300 से लेकर के 34,000 ग्रेड पे 4200, टोटल पोस्ट यहाँ पर 198 इसमें यहाँ पर ऐड की गई और ये सभी परमानेंट जॉब्स है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में, इसमें भी आपको अवर अभियंता सिविल का पोस्ट, इसमें आपको टोटल 38 यहाँ पर मिला करके 236 पोस्ट होता है। उसके बाद और भी कुछ पोस्ट यहाँ पर ऐड की गई है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो यहाँ पर आप देखोगे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अवर अभियंता सिविल की जो यहाँ पर अर्हताएँ हैं एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि बोला गया है आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और भी जितनी भी सारी पोस्ट है सभी के लिए डिप्लोमा मांगा गया है, हैज़ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी आपके पास होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी तरफ से पिटीशन यहाँ पर गया था, जिसमें कि जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो BBTech कैंडिडेट्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, वो लोग को भी फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर अभी मौका दिया गया है। लेकिन इसकी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं इसमें डिप्लोमा सिविल मेंशन है, और इससे पहले भी निकली थी उसमें भी डिप्लोमा मेंशन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स डिग्री या BBTech होल्डर्स हैं वो लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप लोग अगर BBTech होल्डर्स हैं तो ज़रूर से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं इसमें। और इनकी एज लिमिट्स वगैरह यहाँ पर आप देखोगे तो 18 से लेकर के 40 के बीच में आपका एज होना चाहिए। अभी आप लोग इसको 28 जून 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें इसकी अगर इस डेट तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस डेट के बाद 5 जुलाई 2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं सबमिट, लेकिन 28 जून तक रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो अंतिम रूप से सबमिट कर दीजिएगा 28 जून से पहले, और उसके बाद पेमेंट जो है यहाँ पर और संशोधन की तिथि 5 जुलाई 2024 से पहले, आप लोग अगर फॉर्म में कोई करेक्शन गलती हो जाती है तो 5 जुलाई 2024 से पहले तक आप करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने फॉर्म में। इसके बाद कौन कौन से यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है जो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का समकक्ष माना गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी जो भी इनसे भी अगर कर रखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी को समकक्ष यहाँ पर इक्विवेलेंट माना गया है। और ये रहा आपको डिप्लोमा पाठ्यक्रम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो भी समकक्ष या इक्विवेलेंट ब्रांच है यहाँ पर दिया गया, तो ये रूल्स है जो कि आपका आवास
एवं विकास परिषद जो उत्तर प्रदेश का है इनके तरफ से जारी की गई है। तो ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम का, जरूर से ज्वाइन होकर के रह सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिस वीडियो वगैरह मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो है आप सभी का चैनल यहाँ पर 90,000 की फैमिली यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारे थैंक्स यू यहाँ पर बोलना चाहूँगा और आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द जो है चैनल 100K कंप्लीट कर जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी।